नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में आखिरी दिन भारत को एक गोल्ड और एक मेडल मिला। गोल्ड मेडल जीता कृष्णा नागर ने टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है और यह भारत का पांचवा गोल्ड हो गया है पैरालंपिक 2020 में। इसके अलावा नोएडा के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास LY ने सिल्वर मेडल जीता है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल जीत लिए हैं। रविवार को आखिरी दिन बैडमिंटन में भारत को दो और मेडल मिल गए। कृष्णा नागर में ने भारत को पांचवा गोल्ड दिलाया। वहीं नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास LY यथिराज ने सिल्वर मेडल जीता है। कृष्णा ने फाइनल में हांगकांग के चू मान कई को हराया। पहला गेम कृष्णा ने 21-17 से जीता। दूसरे गेम में केई ने वापसी की और 16-21 से जीते। वहीं तीसरे और निर्णायक गेम में कृष्णा ने 21-17 से गोल्ड जीतकर गोल्ड पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यह मेडल SH6 कैटेगरी में जीता। SH6 कैटेगरी में वैसे खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। ये हैं कृष्णा नागर, जिन्होंने बैडमिंटन खेल में भारत को पांचवां गोल्ड जिता दिया है। इसके अलावा नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास को फाइनल में लुकास ने हराया और उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। नोएडा के डीएम यथिराज को फाइनल मुकाबले में फ्रांस के खिलाड़ी लुकास मजूर ने हराया। यह मुकाबला 3 गेम तक चला। सुहास ने पहला गेम 21-15 से जीता। इसके बाद दोनों गेम वे कड़े मुकाबले में हार गए। लुकास मजूर ने आखिरी दोनों गेम 21-15, 17-21 से जीता और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, जबकि सुहास को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। सुहास ने यह मेडल SL4 कैटेगरी में जीता है। SL4 में वे पैराथलीट शामिल होते हैं जिन्हें चलने दौड़ने में परेशानी होती है। और ये है नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास LY, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, सुहास LY 2007 में IAS अधिकारी बने हुए थे और वर्तमान में वे नोएडा के DM के पद पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा भारत को गोल्ड मेडल जिताया अवनी लेखरा ने। इन्होंने पहला गोल्ड जीता था टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, उन्होंने शूटिंग में। इसके अलावा सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में, निशानेबाजी में मनीष नरवाल और बैडमिंटन ने प्रमोद भगत ने भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। दोस्तों, भारत के लिए ऐतिहासिक यह टूर्नामेंट रहा और कुल 5 गोल्ड भारत को मिले। भारत ने 19 मेडल अपने नाम किए। भारत के टोक्यो में 19 मेडल हो चुके हैं। अब तक 53 साल के इतिहास में 11 पैरालंपिक में 12 मेडल आए, सर्वाधिक 12 मेडल आए थे। 1960 से पैरालंपिक हो रहा है। भारत 1968 से पैरालंपिक में भाग ले रहा, वहीं 1976 और 80 में भारत ने भाग नहीं लिया था। टोक्यो में अब तक कुल 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज सहित 19 मेडल भारत ने जीत लिए हैं। और ये फाइनल मेडल टैली, जिसमें चाइना ने 96 गोल्ड के साथ प्रथम शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और भारत को 24वें पायदान से संतोष करना पड़ा। भारत के कुल 5 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज के साथ कुल 19 मेडल हैं और भारत 24वें स्थान पर रहा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना मूल सुझाव अवश्य दें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।